हेलो गाइस, कैसे हो। मेरे साथ आज बहुत माड़ी हुई है, बहुत गलत हुआ है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। आज आपको पता लगेगा जो कुछ भी हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से। सारी कंट्रियों ने अपना जो टूरिस्ट है वो बंद कर दिए हैं, बिल्कुल बैन कर दिए हैं। कोरोना वायरस की तरह खतरा हो गया, और है भी सही, कोई बात नहीं। मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है कि रशिया के साथ मेरी कोई दुश्मनी चल रही है। कैसे बताता हूँ। रशिया का मैंने अप्लाई किया था दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तब उन्होंने मेरे से ए टिकट की मांग कर ली थी, और काफ़ी केसों में मांगते नहीं है ए टिकट, मगर मेरे से उन्होंने उस टाइम मांग ली। तो मैं वापस आ गया, तो उस टाइम मुझे पता लगा ठंड भी है बहुत है, तो मैं गया नहीं। तो अभी जब मैं दोबारा अप्लाई करने गया, वीज़ा दोबारा मैंने अप्लाई किया, तो मैंने जो भी डॉक्यूमेंट थे, मैं डॉक्यूमेंट की बात करूंगा सारे के इसके ऊपर भी, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और कैसे हम रशिया का, हाउ टू गेट रशिया वीज़ा। तो मेरे साथ हुआ ये कि मैंने अप्लाई किया सेकेंड टाइम, रशिया का वीज़ा मेरा आया। तो रशिया का वीज़ा आने के बाद सब कुछ हुआ, वीज़ा आ गया, होटल बुकिंग, टिकट वगैरह सब कुछ डन हो गया मेरा सब कुछ। तो जैसे ही मतलब आज है 17 तारीख, 17 मार्च, और 18 कल शाम को, 19 को रात की 2:30 बजे की मेरी फ्लाइट थी। एक दिन पहले, तकरीबन एक दिन पहले मुझे पता लगा, मुझे मेल आई कि आपका जो रशिया ने जो विजिटर थे सारे बैन कर दिए हैं, और वो अब किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और जो आपका जो होटल से मेल आई थी फंड कर देंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब जो नुकसान हो गया तो क्या हो गया, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो थी कोरोना वायरस की वजह से मेरा ट्रिप जो स्पॉल हुआ उसकी बात। ठीक है, और अब हम बात करते हैं रशिया वीज़ा डॉक्यूमेंट की, कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए होटल बुकिंग से हमें करना होटल बुक। वो होटल बुक करने के बाद हमें वहाँ से मंगाना है इनविटेशन लेटर, और इनविटेशन लेटर में जो होटल आप बुक करोगे उसका नाम लिखना है, होटल का नाम प्रॉपर तरीके से। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था और मेरी कमी क्या निकली थी, जो दिसंबर में मैंने बताया, उसमें यही था कि मैंने पहले इनविटेशन लेटर मंगा लिया, उसके बाद मैंने हॉस्टल बुक किया। हॉस्टल मेरे को सस्ता था, मैं सिंगल ट्रैवलर सोलो ट्रैवलर हूँ, तो हॉस्टल मैंने बुक किया। तो वहाँ पे जाके मुझे मेरे से उन्होंने डिमांड कर ली ए टिकट की, और आप उन्होंने मेरे को बताया कि आपका जो होटल बुकिंग है नाम चेंज है, क्योंकि मेरे को नहीं पता, उन्होंने रशियन लैंग्वेज में मेरे को इन्विटेशन लेटर दिया था, मुझे पढ़नी नहीं आती क्या लिखा है उस पर। उन्होंने मेरे को दिया, मैं लेके एम्बेसी में चला गया। उन्होंने मेरे को बोला कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आज जो इसमें ऑफर इन्विटेशन लेटर में जो भी आपने होटल है इन पे नाम है, उन्हीं होटल की बुकिंग यहाँ पे एक्सेप्ट होगी। चलो ठीक है, अब की बात सेकेंड टाइम पे मैंने किया पहले होटल बुकिंग की, booking.com से। तो वही होटल मैंने यहाँ पे मेंशन किए इन्विटेशन लेटर के लिए, और अब की बार मैं एयर टिकट भी लेके गया था, जो अब की बार उन्होंने मेरे से मांगी नहीं। बहुत ही रेयर चांस होते हैं ए टिकट मांगने के, मगर अब पिछली बार लास्ट टाइम मेरे से मांगी थी, अब की बार उन्होंने नहीं मांगी, मैं लेके गया था मगर। ठीक है, उसके बाद वीज़ा फॉर्म भरे, अच्छे से भरे। वीज़ा फॉर्म के अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ आपकी पर्सनल जो पासपोर्ट पर डिटेल है वही पूछी जाएगी, क्या करते हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं वगैरह वगैरह, कहाँ रुकेंगे, क्या आइटनरी आपकी है, वही पूछेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे वो। ठीक है, बिल्कुल इजी सिंपल प्रोसेस है। बस इसमें रशिया के वीज़ा में यही प्रॉब्लम है कि इनविटेशन लेटर पहले मंगाना पड़ता है, और आप जाओ, और अब आती है फीस की बात। फीस मैंने BSF के थ्रू अप्लाई किया था, रशिया एम्बेसी में मैंने डायरेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट अगर चाहे तो जा सकती हैं, उसके भी कुछ कारण थे, मैं बताता हूँ क्या कारण थे। कारण ये था कि मैं दिल्ली से थोड़ा दूर रहता हूँ, और उन्होंने मेरे को पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ता, रशियन एम्बेसी में एक बार जाओ दो बार जाओ। तो BSF का फ़ायदा क्या है हमें उसके BSF के थ्रू अप्लाई करने का, अगर कुछ फॉल्ट हो हमारे डॉक्यूमेंट में, अगर कुछ फॉल्ट हो, कोई कमी रह गई हो, क्योंकि हम खुद अप्लाई करते हैं, या आप एजेंट के थ्रू कराओगे तो कोई चक्कर ही नहीं है, अगर खुद अप्लाई करते हैं तो BSF के थ्रू करने में वो कुछ कमी रहती है, तो वो क्लियर कर देते हैं, दूर कर देते हैं कमी को, उसका मुझे बेनिफिट मिला। ठीक है, तो BSF की जो फीस है वो है 1550 रुपये के आसपास, कुछ 1550 रुपये आसपास है, और जो एम्बेसी फीस है वो 2130 रुपये के आसपास है, 2130 रुपये के आसपास। और जो इनविटेशन लेटर मैंने मंगाया था 1600 रूबल का,
रूबल का, मैंने डॉलर में नहीं मंगाया था, रशियन रशियन गवर्नमेंट ने वो अवॉइड कर रही है यूएस डॉलर को जितना भी हो सकता है उसके, मतलब अपने पर्सनल उनके कुछ है वो नहीं चाहते कि यूएस डॉलर में हम व्यापार करें कुछ भी, तो इसलिए मैंने रूबल से मंगाया, तो मेरे अकाउंट से कटे कुछ 1700 कुछ रुपए, यानी एक रूबल इंडिया का 1 रुपया 9 पैसे के आसपास पड़ता है, आप आइडिया लगा लेना, मैंने 1600 रूबल पे किए थे उसके लिए, ठीक है, 1750 रुपये का इनविटेशन लेटर, 1550 VSF की फीस और एम्बेसी की फीस है 2150 रुपये, टोटल ये अमाउंट लगा मेरा, और आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बाकी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात इतनी इशू नहीं है, और रशिया के साथ इंडिया के इतने अच्छे रिलेशन है कि वीज़ा ऑलमोस्ट मिल ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट आपके फिल हो, वो फर्स्ट टाइम मेरे को क्यों नहीं मिला, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट में कमी थी और कुछ मेरे को जल्दी चाहिए था, इसलिए उन्होंने मेरे से मांग लिया कि हाँ ऐसे इनविटेशन लेटर मांग लिया, और मेरे डॉक्यूमेंट में फॉल्ट ये था कि जो होटल बुकिंग थी मेरी, होटल जो नेम थे और इनविटेशन लेटर जो मैंने रशिया से मंगाया था उसके ऊपर नाम सेम नहीं था, अगर वो सेम होता तो होटल बुकिंग का टिकट के लिए मैं उनको बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हो टिकट के लिए कि पहले आप वीज़ा दोगे तभी तो हम टिकट कराएंगे, ऐसा बोल सकते हैं, वो मान जाते हैं इस चीज़ को, समझते हैं वो, और कोई भी ज़्यादा मैंने बोला ना कोई रेयर ही चांस होगा उसी में मांगते हैं, वैसे नहीं मांगते वो टिकट, मगर मैं करा के लेके गया था तो क्योंकि मुझे जाना था, मगर हुआ मेरे साथ ये आज कि मैं रशिया जा ही नहीं पाया, ना पिछली बार ना अब की बार, पिछली बार तो वीज़ा नहीं मिला, वैक्त दिल्ली से खाली वापस आ गया था, और अब की बार वीज़ा लग गया, टिकट होगी सब कुछ हो गया, ये हुआ। तो कुछ भी आपको रशियन वीज़ा के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और वीडियो को देखिए और सपोर्ट कीजिए, मतलब मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इतना मेहनत करके लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को, ठीक है।